हम कुआ रे में गलती तो कैले बानी, हम कुआ रे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेरी हो बाकी एक बेरी गंगा न हईले बानी, बाकी एक बेरी गंगा न हईले बानी। दो जिस्म एक जान वाले अभिनेता और स्टार सिंगर, जी हाँ, आज हमारे साथ हैं और फाइनली एक को लगी है चोट और एक है लापता। नमस्कार, मैं निजू और स्वागत है आपका भोजपुरी कनेक्ट में। तो जी हाँ, जिन्हें चोट लगा है आज उन्हें हम पकड़ लिए हैं कैमरे पर। कैसे लगी चोट, किस तरीके का घमासान है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं। भैया स्वागत है आपका भोजपुरी कनेक्ट में। नमस्कार, और भोजपुरी कनेक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र अंकुश का प्यार भरा नमस्कार। भैया चोट कैसे लगी पहले ये बताओ आप। हम एक पिक्चर कर रहे हैं जिस पिक्चर का नाम है आई लव यू सनम, और इस पिक्चर का आज पहला दिन शूट है, फर्स्ट डे है। और इसमें मुझे वो सीन है जब मुझे जो हीरोइन होती है उनके भाई साहब मुझे मारे हुए हैं और हम बेड पे लेटे हुए हैं, उसी का भी सीन चल रहा है। मतलब आपको बंदा मतलब पीट के गया है? पीट के गया है, इस बार तो पीटा है। अच्छा, मतलब आप हीरो वाले हो, हीरो वाले को मतलब अवतार में नहीं हो, पिटा गया, ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं उसके वजह से हीरो को भी मार खाना पड़ता है, तो इसके बाद इंटरव्यू लेंगे तो उसमें हम पीट देंगे। मतलब इंटरेस्टिंग तो तभी मजा आएगा ना कि पहले हीरो पीटेगा उसके बाद बिल्कुल मज़ेदार होगा। फिल्म में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, और उम्मीद हम करते हैं कि इस पिक्चर को काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जिस तरीके से ये पिक्चर बन रहा है, शूट हो रहा है, हम इस पिक्चर को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हैं। उम्मीद दिल से एकदम ये है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद आई लव यू सनम को जरूर मिलेगा, जैसे आप सब मैं तेरा आशिक को दिए थे। दो जिस्म एक जान बोला जाता है पूरे इंडस्ट्री में। एक भाई कहाँ? एक भाई अभी होटल में है, एक्चुअली अभी मेरा सीन था इसके लिए अभी होटल में आराम कर रहे हैं वो, और हम अपना शूट कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, दो जिस्म एक जान वाले एक का पहला एक्सक्लूसिव मैं ही कर रहा हूँ, एक का बाद में करूँगा, लेकिन आपको बताता हूँ। हम भी बताते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप कोई भी खोल कर देख लीजिए, न्यूज़ चैनल या जैसे भी बर्थडे का वीडियो बनता है, कोई सेलिब्रेशन का वीडियो बनता है जिसमें हम लोग दोनों भाई ही रहते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि आज होटल है और हम अकेले इंटरव्यू दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव सिर्फ कनेक्ट में। इसीलिए सबसे पहले भोजपुरी कनेक्ट फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो यार। भैया आपको बता, आपका एक 21 मिलियन का धमाकेदार गाना हिट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सबसे? अच्छा भैया कहीं गाना है, और अभी जो होटल में सोए हुए हैं, ये गाना 21 दिन में 21 मिलियन व्यूज हो गया है, और ये गाना अंकुश का ऑफिशियल रिलीज है। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, हम बेड पे थे और राजा भैया का गाना ये गाए थे, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा उपहार भी था। तो अब मेरे जनता ने, मेरे पब्लिक ने इस गाने को इतना सारा प्यार दिया, और आज इस गाने को लेकर के हम लोग केक भी काटने वाले हैं। भैया दो लाइन तो गुनगुन दर्शकों के लिए बनता है। बिल्कुल, हम कुआ रे में गलती तो कैले बानी, हम कुआ रे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेरी हो बाकी एक बेरी गंगा न हईले बानी, बाकी एक बेरी गंगा न हईले बानी। जिस गाने को खूब प्यार दे रहे हैं आप सब, इसके लिए आप सभी को दिल से हम दोनों भाई अंकुश और राजा एकदम दिल से धन्यवाद करते हैं। भैया आने वाले प्रोजेक्ट की बात कर देते हैं अब थोड़ा सा, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? फिल्में अभी आई लव यू सनम के बाद बड़े भैया मंजुल ठाकुर जी का पिक्चर साइन किए हैं, इसके बाद वो करेंगे, फिर बड़े भैया सूरज शाह जी का पिक्चर जो मैं तेरा आशिक लेकर बनाए थे। तो काफ़ी पिक्चरें बैक टू बैक आने वाली है, बस ये जरूर कहेंगे कि हम कोई भी पिक्चर वैसा नहीं करेंगे जो कि आप परिवार के साथ देख बैठकर ना देख सकें, हम वैसा ही पिक्चर करेंगे, क्योंकि पहले इंटरव्यू में भी हम बोले थे हम पहला ही ऐसा ही पिक्चर करेंगे जो आप सब अपने परिवार के बीच में खूब बैठ करके आराम से देख सके, और ये हम दोनों भाइयों का प्रयास आजीवन रहेगा। भैया जहाँ तक मुझे याद है आपका एक मैंने पटना वाले गाना देखा था, काफ़ी ज़्यादा यूनिटी, मुझे गाना का बोल याद नहीं है लेकिन वो पंजाबी शॉर्ट में फिल्माया गया था, ये इनोवेटिव आइडिया कैसे आता? क्योंकि मैं जहाँ से भोजपुरी एल्बम को देखता हूँ, सूर्याजनक स्टाइलिश करने का आपका है, ये क्यूरियोसिटी कैसे आई थी? देखिए एक दिल में रहती है एक चीज़ कि हर वक्त हमारा भोजपुरी बहुत ही आगे जाए, और थोड़ा सा ये भी बोलेंगे कि कंट्रोवर्सी हमारे भोजपुरी में जो हो जाती है, हम इसके लिए आग्रह करते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मुझे जो लगती है पर्सनली।
क्योंकि हम भोजपुरी के सारे एक परिवार हैं और हम लोग जब आपस में ऐसे करेंगे तो हमारे भोजपुरी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग सब एक परिवार हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जब सब एक मिल करके काम करेंगे तभी हमारे भोजपुरी अच्छा हो पाएगी। तो ये दिल से हर वक्त प्रयास रहता है कि हम लोग अपने भोजपुरी के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ नया चीज़ करें और पब्लिक इसको प्यार भी देती है। मेरी कंट्रोवर्सी की बात मैं नहीं छेड़ना चाहता था लेकिन आपने छेड़ दिया है। आप छेड़िएगा भी मत इसको, मैं ऐसे बोल दिया इसको। कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्या है कि कभी कभी चलते रहता है, बट दिल से नहीं चाहते हम कि ये कंट्रोवर्सी हो। और हम लोगों को तो शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे कभी, किसी के चक्कर में पड़े होंगे ये सब। और ये क्या होती है ना कि देखिए, जैसे कुछ फैंस हमारे होते हैं, कुछ फैंस अपोजिशन वाले का। तो अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती हुआ है मेरे से, तो हमको लगता है कि हमको फ़ोन पे बात कर लेनी चाहिए, मिल के बात कर लेनी चाहिए कि जो भी ऐसा है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो परिवार ही हैं जो एक साथ काम करते हैं। अब सोचिए कि हम लोग जैसे दिवाली है, दशहरा है, होली है, हम अपने परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके हम दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं उनको आनंदित करने के लिए। क्योंकि कलाकार ऐसा चीज़ होता है कि कलाकार एक बस आनंदित करने के लिए ही बना है लोगों को, और कलाकार से बस लोग खुश रहें हम यही चाहते हैं। और कलाकार का काम भी है दूसरे को खुश रखना। चलिए कोई बात नहीं भैया, बाकी बातें भैया एक साथ में आ जाएंगे तब इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र अंकुश का प्यार भरा नमस्कार, और भोजपुरी कनेक्ट और अपना भाई अंकुश राजा पे आप सब सदैव प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी।